हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद पवन यानी मेरे साथ। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे वेट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले मटेरियल्स का वेट क्या होता है और कितना होता है। तो दोस्तों आज हम मेन जो मटेरियल है कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला उनके बारे में जानेंगे, उनके वेट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आता है कंक्रीट। जी हाँ, कंक्रीट कंक्रीट का जो प्लेन कंक्रीट होती है उसका जो वेट होता है वो 2400 केजी पर एम क्यूब होता है, यानी एक मीट्रिक क्यूब के अंदर 2400 केजी वेट होता है। दूसरा आता है हमारा रेनफोर्स्ड कंक्रीट यानी आरसीसी। जी हाँ, आरसीसी के अंदर 2500 केजी पर एम क्यूब वेट होता है। तीसरा है हमारा सीमेंट। जी हाँ, सीमेंट जो सबसे बड़ा बाइंडिंग एजेंट होता है वो उसका जो वेट होता है वो होता है 1506 केजी पर एम क्यूब, यानी एक एम क्यूब के अंदर ये 1506 केजी वेट होता है सीमेंट का। उसके बाद आती है दोस्तों ग्रेवल्स यानी कि एग्रीगेट। तो एग्रीगेट के जो वेट होता है वो 2000 केजी पर एम क्यूब लगभग होता है। अब बात करते हैं सैंड की। तो सैंड के अंदर 1650 केजी पर एम क्यूब वेट होता है। दोस्तों अब बात करते हैं वाटर की। जी हाँ, वाटर के अंदर जो वेट होता है वो 998 यानी 998 केजी पर एम क्यूब वाटर का वेट होता है। अब बात करें वुड की, तो वुड दोस्तों अलग अलग प्रकार की होती है, तो इसका जो वेट होता है वो भी अलग अलग प्रकार यानी डिफरेंट डिफरेंट वुड का अलग अलग होता है, यानी अलग अलग वुड का अलग अलग वेट होता है। तो ये 420 यानी 420 से लेके 990 केजी पर एम क्यूब तक जाता है, यानी 420 से लेके 990 केजी पर एम क्यूब तक ये वेट जाता है। अब दोस्तों बात करें ब्रिक्स की। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन में रेड ब्रिक होती है, जो मेनली जनरली हमारे घरों में और बिल्डिंग्स में यूज़ होती है। तो इसका जो वेट होता है वो होता है 1920 केजी पर एम क्यूब। अब बात करते हैं दोस्तों जो सबसे मजबूत चीज यानी सब बिल्डिंग की हड्डी होती है उसकी, वो है स्टील। जी हाँ, स्टील का जो वेट होता है वो होता है 7850 केजी पर एम क्यूब। अब दोस्तों दूसरी चीज तरह के स्टील यानी स्टेनलेस स्टील के वेट की बात करें तो उसका जो वेट होता है वो होता है 7480 केजी पर एम क्यूब। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की, यानी एल्यूमिनियम का जो वेट होता है वो स्टील से काफी कम होता है, ये होता है 2710 केजी पर एम क्यूब वेट एल्युमिनियम का होता है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और हाँ चैनल पे नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ओके टाटा बाय बाय।